क्वेश्चन नंबर टू पर आ जाओ। एग्जामिनर ने कहा कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्सीडेंट ऑन अ मोटरवे, मोटरवे में एक्सीडेंट की जो प्रोबेबिलिटी है, उसने कहा 1/400 है, ठीक है। मान ले n इज इक्वल टू 150 कार्स कर लो, n इज इक्वल टू 150 है। सवाल नंबर वन, यूजिंग पॉइज़न डिस्ट्रीब्यूशन, यूजिंग पॉइज़न प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, फाइंड द प्रोबेबिलिटी फाइंड दी प्रोबिलिटी दैट, ये आप लोग खुद हिम्मत करेंगे अभी माशाल्लाह, फाइंड दी प्रोबिलिटी दैट नो एक्सीडेंट विल अकर। अगर कोई भी एक्सीडेंट नहीं होगा तो उसकी प्रोबिलिटी क्या है। सेकेंड, एटलीस्ट एक एक्सीडेंट होने की प्रोबेबिलिटी क्या है, एटलीस्ट वन एक्सीडेंट अकर। और थर्ड वाला है एट मोस्ट वन एक्सीडेंट अकर। चले शाबाश, तीनों को सॉल्व करें, शाबाश। जी, नो एक्सीडेंट में एक्स इज इक्वल टू जीरो होगा। हाँ हाँ, आपको पता क्वेश्चन तो हमारे एक्स होते हैं ना, तो नो एक्सीडेंट मीन एक्स इज इक्वल टू जीरो। ये किसका आंसर है, पहले वाले का? करें 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 शायद, वो तो बता रहे हैं He has done. तो सारे आप भी बता दें, यू हैव डन। अच्छा जी, सबसे पहले हमने देखना है नो एक्सीडेंट अकर। नो एक्सीडेंट अकर मीन एक्स इज इक्वल टू जीरो। एक्स इज इक्वल टू क्या चल रहा है, जीरो चल रहा है। तो फॉर्मूला क्या, e की पावर माइनस म्यू, तो मीन चाहिए ना, तो मीन फाइंड कर लेते हैं। तो मीन इज इक्वल टू एन पी आएगा, एन कितना है, और प्रोबेबिलिटी 1/400। तो मीन कितना आ गया, 0.375। तो ई की पावर माइनस म्यू 0. मल्टीप्लाई बाय 0.375 की पावर 0 का आंसर 0.673। डन। अच्छा, अब सेकंड वाला देखते हैं, एटलीस्ट वन। सर एटलीस्ट वन का तर्जमा 1, 2, 3, 4 अप टू 150। सर ये तो रास्ता मुश्किल है, यानी कि मुझे जीरो नहीं चाहिए, तो वन में से जीरो माइनस करूंगा। और चेक करें, जीरो की प्रोबेबिलिटी तभी हमने फाइंड की है, तो सिंपल वन में से माइनस कर दें 0.6873। आंसर क्या देगा, 3-1। तो वन में से हमने जीरो की प्रोबेबिलिटी माइनस कर दी, तो आंसर आ गया 0.3127। इसमें कोई प्रॉब्लम? नो सर। तीसरे वाला रह गया,
एटमोस्ट वन का तर्जमा क्या, 1 0, तो e की पावर माइनस 0.375 मल्टीप्लाई बाय 0.375, पहले जीरो करना है, जीरो डिवाइड बाय जीरो का फैक्टोरियल, प्लस वन करना है माइनस 0.375 की पावर वन, वन का फैक्टोरियल आंसर 0.9450, माशाल्लाह जबरदस्त जबरदस्त, डन बच्चों, ठीक है। अब कन्वर्जन वाला सवाल क्वेश्चन बैंक से करवाऊंगा, डन, बिकॉज़ ऑलरेडी वी हैव स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम हियर। दिस इज ऑल अबाउट पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन, बस एक कन्वर्जन वाला सवाल रह गया तो वगैरह रहता हूँ, डेमो वाले कर लें, चलो सवाल नंबर 3 करते हैं, डेमो वाला ही, फिर राइस क्वेश्चन बैंक आप सारा पढ़का देंगे इंशाल्लाह। क्वेश्चन नंबर 3, ऑन एवरेज अ कॉल ऑपरेटर, ऑन एवरेज अ कॉल ऑपरेटर रिसीव्स, ऑन एवरेज अ कॉल ऑपरेटर रिसीव्स 10 कॉल्स इन 20 मिनट। एक कॉल ऑपरेटर है, मान लें कि सर्विस सेंटर है, कॉल सेंटर है, वो जो कॉल ऑपरेटर है, कॉल उठाने वाला है, वो ऑन एवरेज 20 मिनट के अंदर अंदर ऑन एवरेज 10 कॉल्स उठाता है, सही है। हमने कहा यूजिंग पॉइजन प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट कॉल ऑपरेटर विल रिसीव फाइव कॉल्स इन 30 मिनट, ठीक है, या 5 रहने दें, 15 कॉल्स कर लें, 15 कॉल्स इन 30 मिनट, अब चेक करें हमारे पास पॉइजन प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन को सॉल्व करने के लिए दो चीजें कौन कौन सी चाहिए होती हैं, म्यू और एक्स, मुझे मीन चाहिए और एक एक्स चाहिए, ये दोनों चीजें मिल जाएं तो पॉइजन प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन अप्लाई हो जाती है, डन बच्चों। अब एवरेज तो है मेरे पास, ये देखिए ऑन एवरेज, सर एवरेज मीन होता है ना, और क्वेश्चन किसके बारे में, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट कॉल ऑपरेटर विल रिसीव 15 कॉल्स, बताओ 15 कॉल वो पिक कर लेगा, तो 15 इज माय एक्स, तो क्वेश्चन इज अबाउट कॉल्स, और एवरेज कॉल्स कितनी है, इसका मतलब 10 मेरे पास एज अ मीन है, 10 एज अ मीन है, पर एक गड़बड़ हो गई सर, वन गड़बड़, ये जो 10 मीन है कॉल सर, ये 20 मिनट का एवरेज है, ये 20 मिनट का एवरेज है, जबकि मुझे 20 मिनट के लिए कैलकुलेशन नहीं करनी, मुझे तो 30 मिनट के लिए कैलकुलेशन करनी है, अगर मुझे 30 मिनट के लिए कैलकुलेशन करनी है सर, एवरेज भी 30 मिनट का चाहिए, ऊपर ये जो 10 कॉल 10 कॉल्स जो एवरेज है ये कितने मिनट का है, काश सवाल में वो 20 मिनट लिख देता, काश सवाल में वो 20 मिनट लिख देता तो वही ऊपर वाला 10 एज अ मीन के तौर पर इस्तेमाल कर लेता, क्या मेरी बात समझ आ रही है, क्या मैं समझा पा रहा हूं, एवरेज कितने मिनट का,
20 मिनट का, का सवाल में वो 30 ना लिखता 20 लिखता, चले लिखता क्या, मैं कर ही लेता सवाल, मेरे कंट्रोल में ही है, क्या ख्याल है, लिखता लिखता क्या, उसने लिख दिया, अल्लाह ने आपकी सुन ली सर, सवाल किसके साथ हो गया 20 मिनट के साथ, और एवरेज भी किसके साथ पढ़ा हुआ है, ये देखें एवरेज भी 20 मिनट के साथ, सवाल भी 20 मिनट के साथ, सर नो कन्वर्जन, नो कन्वर्जन, कोई कन्वर्जन नहीं है, चुपचाप सवाल फड़का देंगे, e की पावर माइनस म्यू, म्यू की पावर x, x का फैक्टोरियल, e के पावर माइनस मीन, सर सवाल किसके साथ है 20 मिनट के साथ, एवरेज भी कितना है 20 मिनट का है, तो मीन कौन सा यूज करेंगे 10, तो e की पावर माइनस म्यू 10 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर x, x कितना है 15 डिवाइडेड बाय 15 का फैक्टोरियल 0.03, वाह यार बड़ी जबरदस्त कैलकुलेशन कर लेते मिनटों में, हाँ ये सवाल करवाना मकसूद नहीं था, मकसूद तो पता नहीं क्लास में है या नहीं है, ठीक है, पर ये सवाल करवाना मकसद नहीं था मेरा, क्योंकि इसमें कन्वर्जन अप्लाई ना, तो मुझे कन्वर्जन सिखानी है, सर अगर सवाल भी 20 मिनट के साथ है, एवरेज भी 20 मिनट के साथ है, सर नो टेंशन, समझ आ गई, क्वेश्चन इस तरह से सॉल्व होगा, अब मैं कन्वर्जन लेके आने लगा, अगर कन्वर्जन आ जाए तो किस तरीके से सॉल्व होगा, बच्चों ये सवाल डन, सर ये सवाल में कन्वर्जन नहीं, सर अब कन्वर्जन आने लगी है, कन्वर्जन तब आएगी जब क्वेश्चन में मीन और एवरेज डिफरेंट हो जाएगा, सर मीन कितने मिनट का है, सवाल कितने मिनट के साथ है 20 मिनट के साथ है, अभी कन्वर्जन ही है, पर हम इसको बदल देंगे, हम इसको क्या करेंगे बदल देंगे, सर ये बदल गया, और कितने मिनट करना चाहेंगे 50 कर लेते हैं सर, 50 कर ले, अच्छा 30 कर लेते हैं सर, जिंदगी मौत का फैसला नहीं हो रहा इधर, सर 30 कर ले, मेरा कौन सा बिल आ रहा है इसमें, आप लोग तो अभी जज्बाती हो जाते हैं यार, अच्छा अब मीन कितना है 20 मिनट के साथ है, और सवाल कितने के साथ आ गया, उसने जो मीन दिया है 20 मिनट में 10 कॉल रिसीव करता है, हमने कहा 20 मिनट नहीं, बताओ 30 मिनट में 15 कॉल रिसीव करेगा, तो हमें अब 30 मिनट का एवरेज चाहिए होगा, सर किसका एवरेज चाहिए होगा 30 मिनट का, अब हम यहाँ पे कन्वर्जन लगाने लगे, कन्वर्जन सुन लें, सबसे पहले इस वाली बात को लिखूंगा मैं, 10 कॉल्स 20 मिनट, क्या मुझे 20 मिनट का सवाल चाहिए, नहीं, मुझे देखना है कि 30 मिनट में ये मीन है मेरे पास, पर ये मीन 20 मिनट का है, मुझे देखना है 30 मिनट में ये मीन कितना होने वाला है, सही है, बच्चों वाला तरीका ये है, इस 20 मीन को 20 मिनट को 1 मिनट बनाएं, सही, 20 मिनट 1 मिनट में कैसे कन्वर्ट होगा, अगर 20 इधर आके क्या हो जाएगा डिवाइड, तो 10 डिवाइडेड बाय 20 करेंगे तो ये आ जाएगा 1 मिनट, क्या आ जाएगा 1 मिनट, अब जब 1 बन गया ना 30 मिनट में जाना है मल्टीप्लाई बाय 30 कर दूंगा, 50 मिनट में जाना है क्या 1/2 है, ये 10 बाय 20, ओ भाई ये 10 बाय 20 ही है, 1 मिनट में 10 बाय 20, yes, आगे 50 में जाना है 50, पर हमें 30 में जाना है, तो मल्टीप्लाई बाय 30 कर दूंगा, सर इधर भी मल्टीप्लाई बाय 30 कर दूंगा, तो हमारे पास आ जाएगा 30 मिनट में ऑन एवरेज क्या बनता है, क्या 15, सर 30 मिनट में वो 15 कॉल्स ऑन एवरेज रिसीव करेगा, सर ये हमारा नया वाला मीन आ गया जो कि हम 30 मिनट के लिए इस्तेमाल करेंगे, ये कन्वर्जन, क्या वो क्वेश्चन है ना, लाइक ये 15 सवाल है, वो 15 एक्स है, ये तो 20 हो सकता था, 25 भी हो सकता था, ओ बच्चों ये 15 सवाल है, 15 इज योर एक्स, हेलो बच्चों 15 एक्स है, बाय चांस ये 15 15 सेम निकल आया, नहीं समझ आया, चलो एक्स को चेंज कर लेते हैं, हम यहाँ पे हम कहते हैं 30 मिनट में वो 15 कॉल्स नहीं
12 कॉल्स। अच्छा थोड़ा सा ना रियलिस्टिक सोच ले, चलो 12 कर लेते हैं, 12 कॉल्स। अब सही है, सही है बच्चों, दोबारा समझा रहा हूँ यार, इतना मुश्किल नहीं था। कन्वर्जन में एक सवाल है ना भाई, मुझे 30 मिनट में कितने कॉल रिसीव करने हैं ये तो बताऊंगा ना। 30 मिनट में वो 12 कॉल रिसीव करने की प्रोबेबिलिटी उसने बतानी है, पर 30 मिनट में एवरेज कितने रिसीव कर रहा है वो तो मुझे निकालना पड़ेगा। एवरेज मुझे मीन चाहिए और एक्स चाहिए। सर ये 12 तो एक्स आ गया, ये 12 तो एक्स है। अब मुझे 30 मिनट का मीन निकालना था, वो 30 मिनट का मीन 15 कॉल्स आई हैं हमारी कन्वर्जन की कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग, तो मीन कितना 15, एक्स कितना 12। तो फॉर्मूला लगा ले हम, ई की पावर माइनस म्यू मल्टीप्लाई म्यू की पावर 12 डिवाइड बाय 12 का फैक्टोरियल, आंसर इज 0.028। अच्छा 0828, सर ये हमारा आंसर आ जाएगा। कन्वर्जन दोबारा समझाऊं सर, कन्वर्जन दोबारा समझते हैं, आए जरा कन्वर्जन दोबारा समझाता हूं, दोबारा सर कन्वर्जन दोबारा सर। सवाल से दोबारा समझते हैं, सवाल दोबारा, ये जो 10 कॉल्स मीन है सर, ये जो 10 कॉल मीन है, ये 20 मिनट में वो 10 कॉल एवरेज रिसीव करता है, ये जो 10 है कितने का एवरेज है 20 मिनट का। सवाल में 20 मिनट तो नहीं है, सवाल में तो 30 मिनट का एवरेज चाहिए, ऊपर एवरेज कितने मिनट का है 20, मुझे कितने मिनट का एवरेज चाहिए 30 का। इसका मतलब 20 के एवरेज को इस्तेमाल करके 30 के एवरेज तक पहुंचना है, तो ठीक है 10 कॉल्स वो रिसीव करता है 20 मिनट में। क्या मुझे 20 मिनट के लिए कैलकुलेशन करनी है 30 मिनट के लिए? तो 20 मिनट को 30 मिनट में कन्वर्ट करूंगा। तरीका ये होता है, सबसे पहले इस 20 को 1 बनाऊंगा, 1 कैसे 20 मल्टीप्लाई हो रहा है इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो 10 डिवाइडेड बाय 20 ये आंसर आ गया 1 मिनट। यानी कि प्लीज साइलेंस ऑल, 1 मिनट में ऑन एवरेज 1/2 कॉल्स कर रहा है। अब 1 मिनट आ गया, हमें चाहिए 30 मिनट पर, तो 30 को इधर मल्टीप्लाई कर दें तो 31 आर आंसर इज 30 मिनट, तो 30 मिनट में मल्टीप्लाई बाय इसको भी कर देंगे हम। ओके इधर गया क्या सारा इरेज हो गया यार, ये मसला है, चलो मैं जल्दी कर लेता हूँ। तो 30 मिनट मल्टीप्लाई बाय 30 इधर भी कर दिया, ऐसे सर 0-0 से कैंसिल हो गया, ठीक है तो आंसर कितना आ गया 2 1s are 2 5s are और 5 3s are 15। इसका मतलब 30 मिनट में ऑन एवरेज कितनी कॉल्स कर रहा है 15। सर ये 15 एवरेज इस्तेमाल करूंगा अपने सवाल में, क्योंकि ये 30 मिनट का एवरेज है, तो ठीक है। अब ये फॉर्मूला लगा लिया हमने, ये वाला e के पावर माइनस म्यू मल्टीप्लाई बाय म्यू की पावर x कितना था 12 कॉल्स डिवाइडेड बाय 10 का फैक्टोरियल, ये आंसर आ गया। अब समझ आई? चलो जी, तो ये हमारा पॉइजन प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का जो लेक्चर था वो कंप्लीट हो गया। अब इंशाल्लाह हम समझेंगे बाकी क्वेश्चन बैंक, ठीक है जी। अच्छा जी, पॉइजन की हमने लेक्चर कंप्लीट कर लिया था, इंट्रोडक्टरी लेक्चर हमने कंप्लीट कर लिया था, तो अब पॉइजन के जरा फर्दर इंग्लिश वाले सवाल प्रैक्टिकल क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन बैंक में आ जाए हमारे क्यूएम के, तो बाकी तो थ्योरी वाले सवाल है वो आप लोग तो इंशाल्लाह फटका ही देंगे। तो क्वेश्चन नंबर 41 से 42 था, आउट ऑफ एवरी 4000 शर्ट्स मेड एट अ गारमेंट फैक्ट्री 22 आर डिफेक्टिव, प्लीज सॉल्व करें, देन आई विल सॉल्व, स्टार्ट हो जाए। चलो जी, होप सो क्वेश्चन नंबर 41-42 कर लिया होगा। अब जरा चेक कर लें कि आप लोगों ने सही सॉल्व किया है नहीं। क्वेश्चन नंबर 41 में वो कह रहे हैं
आउट ऑफ एवरी 4,000 शर्ट्स 22 डिफेक्टिव। इसका मतलब है कि 22 डिफेक्टिव है आउट ऑफ एवरी 4,000 शर्ट्स, तो ये प्रोबेबिलिटी है। ये क्या है? प्रोबेबिलिटी। ठीक है। यूजिंग पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट अ लॉट ऑफ 300 शर्ट्स। कहता है हमने कितने की लॉट, 300 शर्ट्स की लॉट की हम प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करना चाह रहे हैं, तो n कितना आ गया 300। तो ये p 22 बाय 4000 मल्टीप्लाई बाय 300 किया तो मीन कितना आ गया, 1.65 मीन आ गया। ये हमें चाहिए था। x तो सवाल होगा, उसने कहा मोर देन 3 डिफेक्टिव है, तो मोर देन 3 डिफेक्टिव का तर्जमा क्या है? मोर देन 3 में 4, 5, 6 कहां तक जाऊंगा, 300 तक जाऊंगा, तो ये तो नहीं जा सकता मैं, तो मुझे किसकी प्रोबेबिलिटी नहीं चाहिए, 3, 2, 1 और 0। तो 1 में से 0, 1, 2, 3 इन चारों की प्रोबेबिलिटी माइनस करूंगा, आंसर आ जाएगा। आगे तो सॉल्व हो सकता है, पक्की बात है। आंसर क्या आता है? डेल्टा ऑप्शन आ जाएगा। ये भी सॉल्व कर दो या हो जाएगा? ये तो हो गया। 42 वाले सवाल पर आए, कहते हैं लेस देन 2 डिफेक्टिव। सर लेस देन 2 में एक्स कौन होगा? 1। लेस देन 2 में 1 भी 0 भी। सर इन दो के लिए सॉल्व करना है तो हो सकता है? चलिए ये नन्ना मुन्ना से ये मैं सॉल्व कर देता हूँ। e की पावर माइनस म्यू मल्टीप्लाई बाय म्यू की पावर 0 का फिर 1 के साथ और 1.65 की पावर 1। इधर गया, अच्छा मल्टीप्लाई बाय 1.65 की पावर 1। और 1 का फैक्टोरियल आंसर क्या आया? नहीं, अल्फा बीटा चार्ली बता दो बस, ठीक है बीटा आंसर आ जाएगा बस। कोई टेंशन? क्वेश्चन नंबर 43 पर आए जरा। A secretary makes 2 error per page on average. What is the probability that on next page she makes no error? Oh, yeah, itna aasan sawal. Mean kitna hai? 2. On average. Kitni galtiyan ho rahi hain? 2. Aur kitni galtiyan honi chahiye? 9 galti. So x equal to 0. So e ki power minus multiply by mu ki power 0 ka answer is अल्फा। पोटेंशन सर 44 पे आ जाए जरा, 44 पे आ जाए। वैसे बाकी तो आप लोग कर ही सकते हो यार, हो जाएंगे। 44, 45, 46, 47, 48, 49 तक है पॉइजन। अच्छा इनमें से एक मैं आपको कन्वर्जन वाला करवा दूं? खुद से फिर मैं करवा रहा हूँ। 12.46 में वो कह रहा है द प्रोबेबिलिटी दैट अ कार विल हैव अ फ्लैट टायर। सर फ्लैट टायर का मतलब है टायर पंचर हो जाएगा। व्हाइल ड्राइविंग थ्रू अ टनल इज 0.0006। सर दिस इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ फ्लैटिंग अ टायर। ठीक है, तो सर ये प्रोबेबिलिटी आ गई, दैट इज द पी आ गया। यूज द पॉइजन। अब चेक करें, वो हर सवाल में बता रहा है कि पॉइजन एप्रोक्सीमेशन, पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन लगा दो। यूज द पॉइजन एप्रोक्सीमेशन टू द बाइनोमियल। कहता सवाल बाइनोमियल का था पर हमने पॉइजन से करना है, तो कोई टेंशन ना लेना इसकी, बस पॉइजन ही समझना इसको। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट एटलीस्ट टू। सर एटलीस्ट टू
सर एटलीस्ट टू सवाल है सर, ये तो एक्स है, एटलीस्ट टू क्या है सवाल, तो एटलीस्ट टू का मतलब टू बी थ्री बी फोर बी सो ऑन, आउट ऑफ कितनी कार्स सर 10,000 कार तक जाना मुश्किल है सर, रिवर्स कॉम्प्लीमेंट्री प्रोबेबिलिटी लगाते हैं तो टोटल प्रोबेबिलिटी क्या होती है वन, उसमें से जीरो भी नहीं चाहिए तो वन में से जीरो और वन माइनस करेंगे तो एटलीस्ट टू का आंसर आ जाएगा, एन कितने तो हमें एक वैल्यू चाहिए होती, एक्स आ गया जीरो और वन सर, जीरो और वन एक्स पता ना, क्योंकि एटलीस्ट टू आ गया तो सीधा रास्ता तो नहीं है, कॉम्प्लीमेंट्री प्रोबेबिलिटी इस्तेमाल करेंगे। मीन चाहिए सर, मीन का फॉर्मूला एन पी होता है, एन कितना है 10,000 और पी कितना है 0.0006, तो मीन कितना आ गया 6 आ गया, तो ठीक है टोटल प्रोबेबिलिटी 1, तो e की पावर माइनस म्यू मल्टीप्लाई बाय म्यू की पावर 0, 0 का फैक्टोरियल माइनस e की पावर माइनस 6, 6 की पावर 1, 1 का फैक्टोरियल, आंसर इज आंसर बीटा। डन बच्चों, यार बाकी हो जाएंगे, अच्छा एक और कर लेते हैं बस, 47-48 में से, ये कन्वर्जन वाले हैं पर इसमें कन्वर्जन लग नहीं रही, पर हम सवाल बदल के कन्वर्जन लगा देंगे, सही है सर, 47-48 करते हैं सर, पहले आप करें फिर मैं करूंगा, क्वेश्चन नंबर 12.48 सर डन, चलो अब मैं सॉल्व करता हूँ। 48 में कह रहा है अ रोल ऑफ फैब्रिक कंटेन 2.5 स्लाइड डिफेक्ट्स पर स्क्वायर मीटर, सर कितने स्क्वायर मीटर पर डिफेक्ट है, ओ नहीं है पर स्क्वायर मीटर के ऊपर 2.5 डिफेक्ट है, सही है सर, पर का मतलब होता है एक, यानी के एक स्क्वायर मीटर पर सर, एक स्क्वायर मीटर पर 2.5 डिफेक्ट है, ठीक है यहां पे कहीं पर नहीं लिखा हुआ ऑन एवरेज, तो कहीं पे लिख लें ऑन एवरेज अ रोल ऑफ फैब्रिक कंटेन ऑन एवरेज 2.5 स्लाइड डिफेक्ट पर स्क्वायर मीटर, यहां पर ऑन एवरेज लिख लें, यानी कि ये हमारे पास एवरेज आ गया सर, एवरेज कितना है 2.5, पर ये 2.5 एवरेज है एक स्क्वायर मीटर का, अल्लाह से दुआ करें कि सवाल भी 1 स्क्वायर मीटर के साथ हो तो जिंदगी आसान होगी। सवाल पढ़ते हैं, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट अ स्क्वायर मीटर, सर आर्टिकल आर तो 1 के लिए इस्तेमाल होता है, कहता है ओहो ये बिटकॉइन का ग्राफ कैसे बन गया, कहता है फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट अ स्क्वायर मीटर, यानी कि एक स्क्वायर मीटर में विल कंटेन 5 डिफेक्ट्स, सर ये तो एक्स आ गया और मुझे 5 डिफेक्ट ढूंढने हैं एक स्क्वायर मीटर में, तो चेक करें सवाल भी 1 स्क्वायर मीटर में सर, एवरेज भी 1 स्क्वायर मीटर में, तो कोई कन्वर्जन नहीं है, सिंपल आंसर आ गया सर, e की पावर माइनस मीन 2.5 मल्टीप्लाई बाय 2.5 की पावर x 5 डिवाइड बाय 5 का फैक्टोरियल, 5 का फैक्टोरियल, तो आंसर हमारे पास आ जाएगा अल्फा, यानी कि 0.0668 ये अल्फा आंसर आ जाएगा, सही है सर, ये सवाल खत्म। अब मैं इसमें जरा कन्वर्जन इंक्लूड कर दूं सर, हाँ आप कहना चाहते हैं, हाँ सर आप लोगों ने कह दिया हाँ, ऐसी की तैसी आपकी ना, ठीक है सर कन्वर्जन सीख लें, ठीक है अच्छा सवाल खत्म हो गया, अब इसके अंदर मैं वैरायटी ऐड करने लगा हूँ सर, ठीक है वैरायटी ये है, ये आ स्क्वायर मीटर को बदल दिया मैंने, क्वेश्चन ये है एवरेज है एक स्क्वायर मीटर का, एवरेज क्या है एक स्क्वायर मीटर का, उसने कहा व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इन चलो फाइव कर लेते हैं, दैट इन फाइव स्क्वायर मीटर के 5 स्क्वायर मीटर में 5 ही डिफेक्ट होंगे, अब चेक करो एवरेज तो 1 का है पर सवाल तो 5 के साथ पूछ रहा है, तो 1 को 5 में कन्वर्ट करूंगा तो सर 2.5 डिफेक्ट से 1 स्क्वायर मीटर का, तो इसको 5 में कन्वर्ट करना है, तो सिंपल है 1 को 5 से मल्टीप्लाई किया
और सर 2.5 को भी 2.5 को भी 5 से मल्टीप्लाई कर दिया, क्या आंसर आया 12.5। बस फर्क ये है, अब 12.5 आपका एवरेज बन जाएगा, अब ये एवरेज बन जाएगा। कुछ समझ आई सर? को समझ आई? डन, चलो ठीक है जी। पॉइजन प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन सर डन। नेक्स्ट इंशाल्लाह ताला हम कल करेंगे नॉर्मल प्रोबेबिलिटी, नॉर्मल ओ यार ये ग्राफ बन जाता है, हाँ शरारती लैपटॉप, नॉर्मल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये लास्ट चैप्टर 12 का टॉपिक होगा नॉर्मल, और नॉर्मल सबसे आसान है। अल्लाह हाफिज़।